नमस्कार दोस्तों, एक तरफ हम जहां खुशी मना रहे कि नेपाल के होनहार स्पिनर संदीप लामिछाने अपने केस में निर्दोष साबित हुए हैं हायर कोर्ट द्वारा, और अब वो T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं जो कि जून में होने वाला था, और नेपाल की सिलेक्शन कमेटी भी इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने को जाने ही नहीं दिया जा रहा है US, और उसका कारण है कि नेपाल के संदीप लामिछाने को US वीजा नहीं मिला है, उनका वीजा डिनाई कर दिया गया, यानी कि अब वो T20 वर्ल्ड कप जून खेल नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि उनका US वीजा डिनाई कर दिया गया है। अब इसको लेकर काफी गहमा गहमी मच गई है, क्योंकि ये न्यूज अभी लेटेस्ट ही आई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि संदीप लामिछाने नेपाल क्रिकेट टीम एक अहम प्लेयर है जो कि खेल का रुख बदलने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, और एक की मेंबर है नेपाल के इस स्क्वाड के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ICC इवेंट्स में खेला है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खेला है। नेपाल की क्रिकेट टीम भी ये आकलन लगा रही थी कि जैसे ही उनको इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया है तो उसके बाद संदीप लामिछाने टीम में जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वीजा इशू के चलते संदीप लामिछाने इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। और इसको लेकर संदीप लामिछाने ने भी खुद ट्वीट किया है, उन्होंने बताया कि US एम्बेसी नेपाल ने डिनाई कर दिया उनका वीजा T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए USA में और वेस्ट इंडीज में जो भी होने वाला है, और अपने शुभचिंतकों को उन्होंने सॉरी कहा जो कि नेपाल क्रिकेट में वो नहीं खेल पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि नेपाल के क्रिकेट से आ रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर किसका रोल है कि संदीप लामिछाने को यहाँ पर US वीजा नहीं मिल रहा है, और क्या कारण हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NI News Vishwam।